हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। स्टार्ट करती है इंग्लिश की वोकेबलरी का सेट नंबर 13। आज हमारा इंग्लिश की वोकेबलरी का सेट 13 है। अगर आपने पहले के सेट नहीं देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप चेक कर सकती हैं। तो फटाफट से बिना देरी से देखिए हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वर्ड्स, क्योंकि वोकेबलरी आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। ओके, तो देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है फीबल। फीबल जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है विद नो एनर्जी और पावर, मतलब जिसमें कोई एनर्जी ना हो, कोई पावर ना हो, शक्ति ना हो। तो ऐसा इंसान क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, मंद बुद्धि वाला हो जाएगा, मतलब जिसमें जो एनर्जी है, जो इंटेलिजेंस वाली बात है वो क्या है, कम है। तो सिनोनिम्स में देखिए क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएगा, इम्पोर्टेंट मतलब भी कमज़ोर होता है, फ्रेगाइल और फ्रेल। ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, फ्रेगाइल और फ्रेल, इनको ध्यान रखना, इन सभी का मतलब होता है कमज़ोर। तो कमज़ोर इसका मीनिंग होता है, तो इसका एंटोनियम्स यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बंदा स्ट्रांग हो, जो बहुत ताकतवर हो, मजबूत हो, फिर मतलब भी होता है मजबूत, रोबस्ट, पावरफुल। तो इन सभी का मतलब होता है मजबूत, ठीक है, जो स्ट्रांग हो। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ही मेड अ फीबल अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन हिज बिहेवियर। उसने अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही कमज़ोर अटैम्प्ट अपनाया, ठीक है, कमज़ोर अटैम्प्ट लिया, मतलब उसने ज़्यादा एनर्जी नहीं दी। जैसे अगर आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो एक होता है बहुत जोश में आप बहुत एनर्जी भरा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, एक होता है बहुत वीकनेस, आप बिल्कुल लो साउंड कर रही हो। तो उसने ऐसा ही अटैम्प्ट किया, बहुत ही ज़्यादा साउंड लो रख के, बहुत ही ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं दिख रही थी, पावर नहीं दिख रहा था, ऐसे उसने अपने क्या किया, बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। तो याद रखिएगा फीबल मतलब होता है जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती, कोई पावर नहीं होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड देखिए क्या है हमारा, मिजरेबल। मिजरेबल वर्ड भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है वेरी अनहैप्पी, मतलब बहुत दयनीय या फिर दुखी। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो उसे आप कह सकते हैं मिजरेबल। तो इसकी सिनोनिम हो जाएंगे सैड, डिसमल, पैथेटिक और ऑप्रेसिव। इन सभी का मतलब हो गया दुखी, अनहैप्पी। ओके, एंटोनियम्स की बात करते हैं। अब मीनिंग अनहैप्पी है, दुखी है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सुखी यानी हैप्पी, जोकंड, चीयरफुल, डिग्निफाइड, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। इन सभी का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ठीक है। आप बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो सीता इज़ वेरी मिजरेबल गर्ल। जो सीता है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल गर्ल है, मतलब बहुत अनहैप्पी गर्ल है, दुखी रहती है, ऐसी लड़की है जो बहुत ज़्यादा हर टाइम दुखी रहती हो। तो मिजरेबल ध्यान रखना है, मिजरेबल का मतलब होता है वेरी अनहैप्पी। आगे वर्ड देखते हैं, थर्ड वर्ड देखिए हमारे पास क्या है, एबोलिश। एबोलिश वर्ड जो है वो एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू एंड अ लॉ और सिस्टम, मतलब किसी चीज़ को आप समाप्त कर रहे हो, उसको हटा दे रहे हो, उसको पूर्णतः आप क्या कर रहे हो, विनाश कर दे रहे हो, उसे कहते हैं एबोलिश। सिनोनिम हो जाएगा कैंसिल, निगेट, एलिमिनेट या फिर डिस्ट्रॉय, मतलब आप किसी चीज़ को कैंसिल मतलब समाप्त कर रहे हो, निगेट मतलब हटा रहे हो, एलिमिनेट करना भी हटाना होता है, और डिस्ट्रॉय का जो मतलब होता है वो होता है पूर्णतः किसी चीज़ को हम विनाश कर देते, किसी चीज़ को नष्ट कर देते, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉय। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एस्टेब्लाइश, सेटअप, कंटिन्यू या फिर इसे हम कह सकते हैं अलाउ। एस्टेब्लाइश करना मतलब होता है किसी चीज़ को आप दोबारा से खड़ा कर रहे हो, सेटअप का मतलब भी होता है दोबारा से किसी चीज़ को बनाना या फिर खड़ा करना, और कंटिन्यू मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, लगातार चला रही हो, मतलब उसको कंटिन्यू कर रही हो। तो ये हो जाएंगे एबोलिश के एंटोनियम्स हो जाएंगे, किसी एबोलिश मतलब नष्ट करना, और इसके एंटोनियम्स में क्या हो जाएगा, आप किसी चीज़ को बना रहे हो या फिर लगातार कंटिन्यू उस चीज़ को चला रही हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वी शुड एबोलिश द डेथ पेनल्टी, मतलब हमें क्या करनी चाहिए, जो मृत्यु दंड होता है, डेथ पेनल्टी का मतलब होता है जो
मृत्यु दंड है, हमें उसको पूर्णतः क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड एबोलिश, यहाँ पर एबोलिश देखिए एक वर्ब की तरह काम कर रहा है और इसका मतलब यहाँ पर क्या है, उस चीज़ को हटा देना, समाप्त कर देना। मतलब एक लॉ है, जैसे मृत्यु दंड एक सिस्टम होता है, एक लॉ होता है, तो उस चीज़ को अगर हटाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एबोलिश का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आगे देखिए अगला वर्ड, देखिए हमारे पास फोर्थ वर्ड क्या है, फोर्थ वर्ड है हमारे पास इरेडिकेट। इरेडिकेट वर्ड जो है वो एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ कम्प्लीटली, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, पूर्ण तरीके से मिटा देना। तो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था एबोलिश, तो एबोलिश जो है वो इसका सिनोनियम बन सकता है, क्योंकि एबोलिश का मतलब भी होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, मिटाना। ठीक है, और इसका मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय करना। तो एबोलिश और इरेडिकेट एक दूसरे के सिनोनियम्स जो है वो हो सकते हैं, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और देखिए इसके सिनोनियम में एलिमिनेट है, रिमूव है और डिस्ट्रॉय है, जो हमारे एबोलिश के भी सिनोनियम थे। ठीक है, तो ध्यान रखना इरेडिकेट एबोलिश दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। एंटोनियम्स में हो जाएगा क्रिएट, बिल्ड, बियर। बियर ध्यान रखना उपजाना, मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, उपजा रहे हो, मतलब किसी चीज़ को बना रहे हो, तो उसे हम बियर कह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हिज एम्बिशन इज़ टू इरेडिकेट पोवर्टी। उसका जो लक्ष्य था, एम्बिशन का मतलब उसका जो लक्ष्य था जीवन का, वो था कि पोवर्टी मतलब गरीबी को पूर्ण रूप से मिटा देना, ये उसकी ज़िंदगी का क्या था, मेन लक्ष्य था। तो इरेडिकेट और एबोलिश दोनों का मीनिंग सेम ही है और आपको ये वर्ड दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला देखिए वर्ड हमारे पास क्या है, रिवैम्प। रिवैम्प जो वर्ड है वो एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है रिबर्थ, मतलब मरम्मत करना या फिर नया करना, किसी चीज़ को आप दोबारा से क्या कर रहे हो, जैसे कोई चीज़ बिगड़ गई, आप उसको क्या कर रहे हो, दोबारा से ठीक करोगे, यानी उसकी मरम्मत करोगे, तो उसको हम कह सकते हैं रिबर्थ, दोबारा से उसको नया कर देना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रीजनरेट, रीन्यू या फिर अपडेट। रीजनरेट का मतलब भी हो गया कि आप भी किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, दोबारा से जनरेट कर रहे हो, दोबारा से उसको बना रहे हो। जिसके आगे री लग जाता है ना, ध्यान रखना, जिसके आगे री लग जाएगा मतलब पुनः की बात हो रही है, दोबारा आप कोई चीज़ कर रही हो। ठीक है, एंटोनियम्स का हो जाएगा र्यून, डिस्ट्रॉय, डैमेज, मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, मिटा रहे हो। तो ये एबोलिश का क्या हो सकता है, एंटोनियम्स बन सकता है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से आपको इस तरीके से देखिए आपको वोकैब याद रखनी है कि आपको वर्ड्स को एक दूसरे में क्या करना है, कनेक्ट करना है, क्योंकि एबोलिश का मतलब क्या था, डिस्ट्रॉय करना, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मरम्मत कर रहे हो, तो डिस्ट्रॉय का उल्टा मरम्मत बन सकता है, तो फिर ये एबोलिश का क्या बन सकता है, एंटोनियम्स बन सकता है एबोलिश का, रिवैम्प। ओके, तो ध्यान रखना एंटोनियम्स इसका किसका, एबोलिश का, नॉट सिनोनियम। एग्जाम्पल देखिए, अ विजन इज नीडेड टू रीथिंक एंड रिवैम्प आवर एजुकेशनल सिस्टम, मतलब हमारे एजुकेशनल सिस्टम को एक ऐसा विजन की जरूरत है जिसमें हम क्या कर सकें, दोबारा से उसको क्या कर सकें, नया कर सकें। तो एक ऐसा विजन चाहिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए, एक नया विजन चाहिए, दोबारा से सोचो उस पर, दोबारा से उसको मतलब ठीक करो, तो दोबारा से सोचने की ज़रूरत है ना, तो रिवैम्प मतलब होगा किसी चीज़ को रिबर्थ, नया करना, मरम्मत करना। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स एंड आई होप सो आप सभी को क्लियर हुए होंगे 5 वर्ड्स। और वर्ड्स को कनेक्ट करिए, ये नहीं कि वर्ड्स पढ़े एंड उसको छोड़ दिया, आपको वर्ड्स को ध्यान भी रखना है और जो पुराने वर्ड्स हैं उसमें कनेक्ट करिए कि भाई किस किस का मतलब हमने पढ़ा था, एबोलिश मतलब डिस्ट्रॉय, तो ऐसे और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग डिस्ट्रॉय होता है, तो आपको क्लियरली वो लर्न हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।